ऐसे तो हर फिल्म में होता है, वो एज एन एक्टर आपका आपका वो काम ही होता है कि आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो और देखो कि दायरे के बाहर जाता है कि नहीं। दायरे के बाहर गया तो आप उसको नकारते हो और दोबारा वापस बैक टू बेसिक्स जाते हो। तो नॉर्मल सी चीज़ है, हर प्रोफेशन में होता है। और जहाँ तक ये फिल्म का सवाल है, हम चूँकि एक साथ सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ साथ में ये कर रहे थे, तो इनपुट्स इतने आ रहे थे कि हमको दायरे के बाहर जाना बिल्कुल मतलब नहीं पड़ा। मतलब सारे के सारे जो इतने बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारे इसमें माहिर हैं। अच्छा, ट्रेलर में हमने देखा है, फिल्म में भी हम देखेंगे, AK-47 आप लोग बहुत बिल्कुल नहीं पसंद करते। AK-47 था डबल बैरल गन थे। फोन के हाथ में भी AK-47 साउंड इफेक्ट वैसा है कि आपको लग गया। नहीं नहीं, वो करेक्ट बोल रहे हैं, वो ट्रेलर के बिगनिंग में लाइन है, वो डायलॉग बोलते हैं, डायलॉग है ना, हां वो जुबानी निकालते हैं, सॉरी वो डायलॉग संवाद है कि 147 लेके आएंगे। नहीं नहीं, इस फिल्म के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज, बिना चाहे हुए भी एक इतना खूबसूरत मैसेज है गन्स के अगेंस्ट और वायलेंस के अगेंस्ट और सारा कुछ, जो आप घर लेके एंड में जाएंगे। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि एंड में आप ये सोचेंगे कि शायद ये फिल्म बनाई इसलिए गई थी कि गन लॉ के अगेंस्ट बात करें। हाँ बिल्कुल, कि भाई ये चीज़ सही नहीं, किसी भी तरह से ये फिल्म गन्स को ग्लोरीफाई नहीं करती, ये बात मैं एक्चुअली बहुत लाउडली कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत लोग कह रहे हैं कि इतनी बंदूकें चली है, इतनी गोलियाँ चली है, हम कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहे इसको। कहानी में गन बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी की जस्टिफिकेशन आपको एंड में मिलती है, तो चाहे वो चंबल हो चाहे वो गन्स हो, वो एक किरदार हैं फिल्म के अंदर, जिनको आप जब देखेंगे तो आप बोलेंगे अगर ये बंदूक हम निकाल देते हैं, चंबल निकाल देते हैं, तो यहाँ तो कहानी नहीं है। अच्छा माही जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही लिमिटेड फिल्में करती हैं आप, हम ऐसा मान रहे हैं कि काफ़ी चूजी हैं आप अपनी फिल्मों को लेकर, कि जो आपको पसंद है कि आप ऐसे ही करेंगे, हम देखते हैं कितने सारे आए दिन खाते पीछे करते जाते हैं। मुझे मुझे लगता है कि जो मुझे चीज़ अच्छा था आपका इशारा मेरी तरफ धड़ाधड़ पिक्चर मेला लगा। हाँ, मैं काफ़ी कम पिक्चर्स इसलिए करती हूँ कि मुझे जो जो जितनी सपोज 10 ऑफर हुई हैं तो उसमें शायद मुझे एक स्क्रिप्ट पसंद आती है, तो फिर मैं वही करती हूँ। मुझे ये लगता है कि पैसा भी चाहिए तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी फ्री में करती हूँ। फिर भी फ्री में करती हूँ नहीं, लेकिन मैंने हाँ चूज़ी हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है जो मुझे पसंद है, क्योंकि मैं किसी फिल्म को पसंद ना करूँ स्क्रिप्ट को, लेकिन मैं चली जाऊँ सेट पर, मैं सब एक्टर्स का टाइम वेस्ट करूंगी, प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट करूंगी, आई डोंट डू दैट। तो मुझे होता है कि कम फिल्में करो, अच्छी करो। नहीं यार देखो, तो बहुत आप सही सवाल किए हैं। मेरी पहले स्क्रिप्टें अब आती हैं तो मेरी पत्नी पढ़ती हैं, मेरी स्क्रिप्ट जो भी आती है मेरे पास तो मैं अपनी वाइफ को दे देता हूँ कि तुम पढ़ो इसको एक बार, तो वो पढ़ के और वो फ़ोन करती है कि ये वाला रोल तुम्हारा है, मैं बोलता हूँ वो वाला नहीं दूसरा वाला, वो तो किसी और का है। तो उनके साथ ये गुजरता होगा, मुझे तो पता होता कि मुझे क्या मिला है इसमें। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, मेरे पास कोई इसके लेके आते हैं बोलते हैं ये वाला किरदार जो है आपका, बड़े यंग नए डायरेक्टर्स और सारा कुछ, और उसमें उन्होंने कुछ कोई एक ऐसा किरदार, फिर कोई रियलिस्टिक सी फिल्म और सारा कुछ, और बहुत एक किरदार जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो लेके आते हैं, और मैं पढ़ने के बाद उनको बोलता हूँ यार वो जो दूसरा किरदार है वो छोटा है, अगर मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने उस तरीके का कुछ किया नहीं, तो मैं इंटरेस्टेड हूँगा वो करने पे रादर देन ये सेंट्रल कैरेक्टर जो मेरे को कुछ करवा नहीं रहा है, ऐसा मैं कुछ और कर रहा हूँ या मैंने किया हुआ है, तो फिर वो गायब हो जाते हैं उसके बाद। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो किरदार ना करूँ जिसके लिए मैं ओवर क्वालिफाइड
सिंपल एज दैट. तो जहाँ मैं देखता हूँ कि वहाँ पे आपको खुद को ख़राब लगता है अगर आपने ऐसा कोई रोल किया, तो कोशिश करता हूँ कि जो आपको जो भी रोल दिया जाता है वो आपके टैलेंट के मुताबिक हो, ऐसा ना हो कि आपको मिसयूज़ किया जाए. तो वो क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है वैसे मिसयूज़ तो, और मैं कोशिश करता हूँ उसको बांध लगा करके पानी भरा जाए. श्रेया की अभी अभी शादी हुई है, आप सबको मालूम होगा, तो शादी तो शायद अपने हनीमून पे है इस वक्त, तो जिस प्यार को वो ढूंढ रही थी उनको हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं. भाई जी आपका ऐसे आपके ऐसी कोई कहानी मतलब आपके लिए जो एक्टर इस फिल्म की और श्रेया सर देखिए काफी सडनली ऐसे ट्विटर पे उन्होंने या इंस्टाग्राम पे ऐसे शॉक दिया कि हाँ मैंने शादी कर ली. शॉक क्यों है? घर परिवार वालों को पता है, कैटरर को मालूम होगा जो उस दिन खाना बना रहा होगा. शौक कैसे हो सकता है, बहुत लोग जानते होंगे. पंडित ने शादी कराई, सूचना ही अखबारों में व्यवस्थाएं. शौक देने का मैं भी बहुत बड़ा शौक दूंगी थोड़ा. वो डिस्कशन हो चुका है. मानी जो है ट्विटर पे इतनी एक्टिव नहीं है, तो जब वो कर रही होंगी वो मैं बता देंगी और पंकज सर वो शौक आपको दे देंगे. वो बहुत बड़ा शौक देंगे. कितने वोल्टेज का चाहिए बता दीजिए. अब डिपेंड इन पे है ना. मैं ट्विटर इनको तो सिर्फ ट्विटर पे डालना है ना, पता ना उनको है, निर्णय उन्हें करना है. मैं तो सिर्फ खबर दूंगा. जब मैं दूंगी तो बहुत तगड़ा शौक दूंगी, पूरा आपको बता दूंगी. करेक्ट है आप. मैं तो बिल्कुल, मैं एक बार खिलाड़ी उस मैदान के बाहर चला जाता ना, उसके बाद बल्ला नहीं घुमाता है वो, तो वो वहीं पे उस रन मार कर कि बाहर फिर वो 100 रन मारने की जरूरत नहीं पड़ती. तो आई बिलोंग टू दैट कैटेगरी, आई डोंट कैरी एनीथिंग ऑफ द कैरेक्टर बैक, वरना फिर तो मतलब बंदूक के चलते रहेंगे यहाँ पे चलाऊंगा. इस फिल्म में थोड़ा सा अजीब हुआ है, क्योंकि हम जब वहाँ गए हैं तो उस माहौल में उस कहानी में ढल गए, और लकीली कुछ 23-24 दिसंबर के आसपास जो है वो हमारा रैप अप हुआ fog. और उसके बाद फॉग वॉक शुरू हुई इसी रात, और हम वहाँ से जो ड्राइव करके निकले हैं दिल्ली, क्योंकि जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ से 8-10 घंटे की ड्राइव थी. अगले दिन हम लोग निकले हैं वहाँ से और मैं एक बार दिल्ली पहुँच गया, और फिर वो क्रिसमस न्यू ईयर्स का माहौल था और तो निकल गए. मगर वो जगह ऐसी है, उसका कैरेक्टर ऐसा है कि जैसे ही आप वहाँ पहुँचे और आपने अपना पहला सीन किया, और आपने क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि कई बार 3-4 सीन लग जाते हैं एक इंसान को वो सुर पकड़ने में, जब आपको अंदर से फीलिंग आने लग जाती है कि अब ये किरदार पकड़ा गया है, अब ये ऐसा है. मगर ये एक ऐसी जगह थी कि वहाँ गए हैं और उस लोकेशन पर पहुँचे हैं, वे एक आध शॉट दिया है बस, और बस ऐसा लगा कि बस ये तो हो गए वहीं के मतलब. और वो कहीं ना कहीं आपको ट्रेलर में दिख रहा होगा, वो हम लोग अपने जैसे नहीं लग रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं सब बता दिए. स्विच ऑन स्विच ऑफ करके भी एक मसला होता है कि किसी किरदार में गए निकल गए हमें मालूम है तो. एक जून हम इस बार माही, हर बार मैं बोलता हूँ माही. एक जून को बहुत ही कमाल की फिल्म रिलीज होने जा रही है और उसका नाम है फेमस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बहुत थैंक यू. थैंक यू. बहुत मजा फिल्म भी
دیکھنے کے لیے گھسیں پسند آئے گی یہ تو گارنٹی ہے, پر چاہیے دیکھنے کے لیے ایسی پکچریں, جب کچھ اچھا آ رہا ہوتا ہے کچھ نیا آ رہا ہوتا ہے جائیے دیکھیے, ٹریلر سے 100 گنا زیادہ مزہ آئے گا فلم دیکھنے میں. ایگزیکٹلی یہ آپ کو بہتر اتر جو ہے کرن دے گا, کیونکہ سویرے سے اس کا اتر تو آپ بھی جانتے ہو گے, مجھے لگتا ہے سب جانتے ہیں. دیکھو بھارت کے 80% حصوں میں اور خاص کر ہندی بھاشی علاقوں میں فیمس بولتے ہیں, میں بھی فیمس ہی بولتا ہوں, جو انگریزی مادھیم سے پڑھے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ فا کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے, تو وہی سندرب ہے کہ جہاں کی کہانی ہے وہاں کے لوگ فیمس بولتے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ کر دیا. حالانکہ یہ کھال مل ہوا ہے, ہندی کا فا ہے باقی انگریزی کے شبد ہیں, تو سمجھ میں نہیں آتا ہندی پکچر ہے انگریزی پکچر ہے. ارے وہ آپ کرن جوہر کی بات کر رہے ہیں, وہ بہت بڑے ہیں بھائی, کہاں کنفیوژن کی, وہ بہت سینئر ہیں مجھ سے بہت زیادہ, میں تو ان کی پکچریں دیکھ کے بڑا ہوا ہوں, تو میں تو بچہ ہوں, مجھے کہاں کنفیوژن, بہت دور کی کنفیوژن نہیں ہوگی ایسے کوئی ٹینشن مت ہوگی. سیکھتے ہیں سر سینئر لوگوں سے, بس سیکھتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بہت ساری تو ایسی چیزیں سکھائی ہیں جو میں اس کے آگے جو 2-4 فلمیں میں نے شوٹ کی ہیں اس میں لاگو بھی کر دیں. ہر سین میں ہر آرٹسٹ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, یہ تو دقت لوگ ہیں, اور مین چیز یہ ہے کہ جب آپ ساتھ میں کام کر رہے ہوتے ہو تو مزہ آنا چاہیے, اور وہ ہم لوگ کو اس فلم کو بناتے ہوئے بہت مزہ آیا. نہیں سمپل سی سیدھی سی سیدھی سادھی سی ٹیچر ہوں میں, روزی ٹیچر جو گاؤں میں پڑھانے کے لیے آئی ہے, اور وہ سوچتی ہے کہ جو بچے ہیں ان کو وہ کافی ان کا بھوشیہ چینج کر سکتی ہے بہتری کے لیے, تو اس طرح کی ٹیچر ہے, لیکن ایسا کچھ حادثہ ہوتا ہے کہ کافی گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو پوری پھر اسٹوری فلم کی چینج ہو جاتی ہے. دیکھا ہے پہلی, سنو, دیکھا ہے پہلی بار ساجن کی آنکھوں میں پیار, تو وہی ہے یہ, تبھی تو ہماری فلم باقیوں سے الگ ہوگی نا, کہ کچھ تو ایلیمنٹ جو پہلی بار دیکھے, تو یہ کرن کا کریڈٹ ہے, اس رائٹنگ کا کھیل ہے کہ انہوں نے ویسا سی, حالانکہ میں اسہج تھا تھوڑا وہ سب ایسا کرنے میں, بہت زیادہ میں وہی بول رہا تھا, یہ ایکچولی جو کیریکٹرسٹک ہے اس کیریکٹر کا وہ سر کا ان پٹ تھا یہ والا, ہاں نہیں مطلب کلیکٹیو ہوتا ہے, صرف میرا ان پٹ نہیں تھا, دونوں کا کام ہے. امپرووائز کرتے ہیں, بالکل کرتے, کرنا بھی چاہیے, آئی تھنک وہ ضروری ہے, ہر فلم کا گروتھ ایک رائٹر ایک ڈائریکٹر ایک پوائنٹ تک سوچتا ہے, چاہے وہ جتنا بڑا تھاٹ ہو یا کم ہو, جب کوئی اور بندہ اس کیریکٹر کو اپنے اوپر ڈھالتا ہے تو وہ اس میں کچھ اور لے آتا ہے, اور وہ اچھے ایکٹرز کے ساتھ میں وہ ایک بات ہے جو ہوتا ہی ہوتا ہے, تو 100% مطلب جو میں نے کیریکٹر سوچے تھے وہ تو ہے, مگر اس سے وہ 2 ورژن اوپر گئے ہیں, بیکاز سب نے اس میں کچھ نہ کچھ اپنا ایلیمنٹس لایا ہے. ہر سین میں بولوں گا, ایوری سنگل سین ان دا فلم جو لکھا ہے اس سے بہتر ہی پرفارم ہوا ہے, جیسے سر کا جو سین اب بہت چرچے میں, سب لوگ اسی بارے میں بات کر رہے ہیں,
वो सीन एक्चुअली सर को याद होगा वो साथ में सोचा था, वो सीन था कहीं पर स्क्रिप्ट में, मगर उसमें जो छोटी छोटी न्यूएंसेस है, जो उनका एक्सप्रेशन है, जो एक थॉट है, वो सब उसमें सर का एक बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट था, तो वो एक कोलैबोरेटिव था विद ऑल ऑफ देम। हाँ, क्यों रो रहे भैया, क्यों रो रहे भैया, तो के सर के साथ में भी एवरीवन सबके साथ में जो है वो कैरेक्टर को साथ में बिल्ड किया गया है, किसी के साथ किसी का भी ऐसा नहीं था कि भैया ये कैरेक्टर है बस उन्होंने आके वो स्ट्रेट फॉरवर्ड परफॉर्म किया और निकल गया, ऐसा कहीं नहीं था, सबने वो कैरेक्टर को समझा है, उस पर डिस्कशन की है मेरे साथ, हेल्दी डिबेट्स हुए हमारे, तब जाके वो कैरेक्टर बना जो बना।